हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम वेज स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करेंगे और ये इतने क्रिस्पी बनेंगे, मैं आपको आवाज सुनाती हूँ। सारे क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, एकदम इजी रेसिपी इनको बनाने के लिए हम शेयर कर रहे हैं। हम चाहे अपनी मनपसंद सब्जियां इसमें कोई भी भर सकते हैं, पर बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम पहले उनकी शीट बनाएंगे और शीट बनाने के लिए मैंने एक कटोरी भरकर मैदा ली है। मैदा को हम एक बाउल में डाल देंगे क्योंकि हम शीट भी पहले बनाकर तैयार करेंगे। इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा टेस्ट लाने के लिए इसमें नमक डाल लेंगे। अब हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे, जिस तरह हम सेम रोटी का डो बनाते हैं। पहले जो हमने रिफाइंड ऑयल डाला है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मैदे में अच्छे से मोयन लग जाना चाहिए, जितना भी मोयन हमने डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच थोड़ा सा बिल्कुल रिफाइंड ऑयल और लगा देंगे ताकि हमारा डो है जो एकदम सॉफ्ट ही रहे। और लगाकर इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हमने कुछ सब्जियां ली है। मैंने पत्ता गोभी लिए, 1 गाजर, प्याज और 2 शिमला मिर्च। इनको हम एकदम बारीक बारीक काटेंगे, बिल्कुल हमें लंबे आकार में काटनी है और काटनी एकदम पतली पतली है। चाहे तो आप छोटे आकार में भी कट कर सकते हैं, पर हमें बिल्कुल ही पतला पतला काट कर इनको तैयार करना है। एकदम लच्छेदार शेप में भी काटेंगे तो भी अच्छा ही लगेगा। और प्याज को भी हमें ऐसे ही काटना है। सारी सब्जियों को काट कर मैं तैयार कर लेती हूँ। सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है और सारी सब्जियां हैं जो मैंने लंबे आकार में ही काट के कट किया है। प्याज को भी, गाजर, सभी को मैंने लंबे आकार में काटा है। अब यहाँ एक कढ़ाई को हम गैस के ऊपर रखेंगे, उसमें बिल्कुल 1 टीस्पून हमें तेल डालना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने सरसों का ऑयल डाला है और सरसों के ऑयल में धुआं आने स्टार्ट हो चुके हैं। धुआं आना स्टार्ट हो तभी हमने सब्जियों को डालना है। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे क्योंकि अगर सरसों का तेल कच्चा रह जाएगा तो एक अलग से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे जो स्प्रिंग रोल बनेंगे उसका टेस्ट भी खराब लगेगा। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद अब मैं गाजर डाल रही हूँ। गाजर सब्जी में थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में। सब्जियों को हमें पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस जो सब्जियों का मॉइस्चर है वही हमें खत्म करना है। अब हम बाकी सब्जियों को भी डाल देंगे। सब्जियों को मिक्स करने के बाद यहाँ 1 चम्मच में काली मिर्च डाल रही हूँ, ये कुटी हुई काली मिर्च है। और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैं 1/2 चम्मच मैगी मसाला डाल रही हूँ और इसको डालने से जो स्प्रिंग रोल का टेस्ट है वो लाजवाब बनेगा। आप एक बार ये मसाला डालकर स्प्रिंग रोल बनाकर जरूर ट्राई करें, जो पहले के सारे स्वाद है वो आपको फीके लगेंगे, इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जियों का सारा मॉइस्चर खत्म होने तक हम इसको कुक करेंगे। सब्जियों का जो सारा मॉइस्चर अब सूख चुका है, अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारी सब्जियों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम सब्जियों को ठंडा होने के लिए रख देंगे और अपने डो की तरफ चलते हैं। डो को काफी टाइम हो चुका है, डो हमारा एकदम सॉफ्ट है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे, बिल्कुल हमें छोटे आकार की तोड़नी है। लोइयां हमें बिल्कुल छोटी छोटी तोड़कर तैयार करनी है क्योंकि हम जो रोल शीट बनाएंगे वो हमें पतली ही बनाकर तैयार करनी है। अगर मोटी हम शीट बनाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। सारी लोइयां मैंने छोटी छोटी तोड़ ली है। अब हम थोड़ा सूखा मैदा लेंगे और हम चकले के ऊपर मैदा रख देंगे। एक लोई को उठाएंगे, मैदा को लगाते हुए हमें एकदम गोल गोल बेल लेना है, हमें छोटा साइज का ही बेलना है एक बार में। जब भी मैदा लगा लेना तब भी हमारी लोई थोड़ी चिपक ना, ऐसा लगे कि हमें चिपक रही है, तभी हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे।
हमें बस इतना छोटा छोटा साइज बेल कर तैयार करना है, ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है, इतना ही छोटा रखना है। अब हम दूसरी लोई को बेलते हैं। साइज हमें सभी का समान रखना है, अगर समान रखेंगे तो हमारी बनाने में आसानी रहेगी। डो हमारा एकदम सॉफ्ट है इसलिए इसको बेलने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। मैंने यहाँ तीन डो की पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर या तो ऑयल लगा देंगे या हम घी भी लगा सकते हैं, पर हमें सारे कोनों में लगाना है, कोई भी कोना हमें ऐसा नहीं छोड़ना है जहाँ पे हम घी या रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी ना लगा हो, नहीं तो हमारे जो रोल शीट बनेगी वो वहीं से चिपक जाएगी और हटाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, खराब हो जाएगी। उंगली से लगाएंगे साड़ी में, ब्रश से भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर दूसरी शीट है जिसको रख देंगे, एकदम इसको सटा कर रखनी है। अब हम इसके ऊपर भी सेम वैसे ही लगाएंगे। मैं यहाँ घी लगा रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, पर लगाने में हमें बिल्कुल ही सावधानी रखनी है। अब इसके ऊपर मैं तीसरी वाली शीट भी रख दूंगी और हम फिर से चकले के ऊपर सूखा मैदा लगाएंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, दबाव बिल्कुल भी नहीं देना है, हल्के हाथों से हमें एकदम पतला बेल कर तैयार करना है। पलटते पलटते हम कैसे भी इसको गोल बेल कर तैयार करेंगे। मैंने आज जो तीनों पूड़ियां बनाकर तैयार की थी उनको आपस में चिपका कर बेल लिया है। अब हम एक तवा लेंगे और जो हमने शीट बेल कर तैयार की है वो तवे पर रख देंगे। गैस का टेम्परेचर है जो हमें नॉर्मली रखना है, हाई पर नहीं रखना है ना ही मीडियम पर रखना है। थोड़ी देर बाद हम इसको पलट देंगे। इसको जरूरी नहीं कि नॉन स्टिक तवे पर बनाए, हम कैसे भी तवे पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारी शीट सीख कर तैयार हो चुकी है, बस हमें इतना ही इनको सेकना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं एक शीट और बनाकर दिखाती हूँ, पूरा बेल कर तैयार कर लेंगे। तीनों पूड़ियों को बेलकर मैंने तैयार कर लिया है। हम बिल्कुल थोड़ा सा घी लगाएंगे, लगाना हमें थोड़ा सा है, पर हमें सारे कोनों में और बीच में अच्छे से लगाना है, जगह कोई भी नहीं छोड़नी है और ये काम उंगली से आसानी से हो जाता है। इसके ऊपर हम दूसरी शीट रख देंगे। तीनों शीटों को मैंने ऊपर नीचे रख लिया है। अब हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और मैदा लगाकर हम इसको हल्के हाथों से जैसे हमने पहले बेल कर तैयार किया था सेम वैसे ही बेल कर तैयार करेंगे। जोर हमें हाथों से बिल्कुल भी नहीं देना है, ये हल्के हाथों से आसानी से बेल जाएगी। हम डो है जो हम डो बनाने में सावधानी रखेंगे, डो हमें एकदम सॉफ्ट ही बनाकर तैयार करना है। अगर डो हमारा परफेक्ट बना है तो बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह हम बाकी बची शीट को भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। सारी शीट को हमने सेक कर भी तैयार कर लिया है। मैं इसको अलग करके दिखाती हूँ। अलग हमें पहले देख लेना है, जो भाग हमारा अच्छे से पहले से अलग हो रहा है वहीं से हमें इनको खोलना है और ये आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकी। ये सारा काम ऑयल लगाने का होता है, अगर हम ऑयल अच्छे से लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। सारी लेयर है जो तीनों आराम से खुलकर सामने आएगी, ये कहीं से भी कोई फटी भी नहीं है, कितनी आसानी से निकल रही है। मैं एक और निकाल कर दिखाती हूँ। ये तीनों हमारी निकल चुकी है। हमें ध्यान रखना है जो भाग हमारा पहले से हल्का खुला हुआ होता है उसी को हमने पकड़ना है और हाथों से इनको अलग कर देना है। सारी सीट आसानी से निकल कर आएगी। कितनी शानदार सीट बनकर तैयार हुई है। थोड़ी देर का काम होता है, घर पे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम सारी सीटों को अलग कर लेते हैं। सारी सीटों को हमने चुड़ा कर अलग अलग रख लिया है और जो हमारी फिलिंग थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। मैंने यहाँ दो चम्मच मैदा लिए, इसको चिपकाने के लिए हम मैदा से ग्लू बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और मिक्स करेंगे। पतला हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, गाढ़ा सा बस गोल बनाना है। बस हमें इतना गाढ़ा रखना है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम एक शीट उठाएंगे
और इसको साइड में रखेंगे। जो हमने फिलिंग बनाई थी वो एक चम्मच लेंगे, बस फिलिंग हमें एक कोने में इधर की तरफ रखनी है और इसको हम रोल कर देंगे। एक बार रोल करने के बाद अब हम जो साइड है इनको भी हम फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से रोल करेंगे। अब जो हमने ग्लू बनाकर रखा था वो लगाएंगे, ये उंगली से भी लगा सकते हैं और चम्मच से भी। ये अच्छे से लगाना है हमें ताकि हमारी जो शीट है वो बिल्कुल भी ना खुले और सारी सब्जी अच्छे से अंदर से भरी रहे। अब हम फिर से रोल कर देंगे। ये हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुका है, मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ। अब हम फिर से एक शीट उठाएंगे, एक चम्मच फिलिंग लेंगे। फिलिंग हम भरकर चम्मच लेते तो एक ही लेनी है, अगर हम आधी आधी चम्मच डालते हैं तो हम दो बार डाल लेंगे। एक बार हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हमें जो साइड है ये भी हल्की फोल्ड करनी है, ज्यादा इनको नहीं मोड़ना है। अब जो हमने ग्लू बनाकर रखा था वो लगाएंगे। अच्छे से रोल कर देंगे। ये वाला स्प्रिंग रोल भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे स्प्रिंग रोल बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और ये अच्छे से अच्छी पक चुके हैं। मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम एक रोल उठाएंगे और गरम तेल में डाल देंगे। तेल हमें हाई हीट पर गरम नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो मीडियम वो ही रखना है। जितने एक बार में कढ़ाई में आएंगे उतने ही रोल को हमें डालकर फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद हम इनको पलट देंगे। ये रोल बनाने घर में एकदम आसान होते हैं और हम मनपसंद की सब्जियां कोई भी डाल सकते हैं इसमें। बीन्स भी डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी मन करे वो डालें। अपने पसंद जो पनीर भी डाल सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। रोल हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। इनको हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसी तरह हम बाकी बचे रोल को भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हमें इनको पलटना है। सारे वेज रोल को हमने फ्राई भी कर लिया है, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। कोई भी रोल हमारा खुला नहीं है और मैं इसको कट करके दिखाती हूँ सारे कितने शानदार बनकर तैयार हुए हैं, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी ऐसे ही रोल आसानी से बना सकते हैं। सारे में अच्छे से सब्जियां भर चुकी है। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।